नमस्ते भरत, किसान पाठशाला, ऑक्सीजन पार्क, दोनों यूट्यूब चैनल पे आपके साथ। कई मित्रों के मैसेजेस थे, बांस लगना तो चालू हुआ है, यदि सभी ने बांस लगा लिया तो फिर बीतेगा कैसे, कहां और फिर प्राइस क्या मिलेंगे। उसका एक ही जवाब कि पहले हम ये ढूंढते हैं कि बांस से होगा क्या। हमारी इंडिया की, सिर्फ हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं अभी, अपने नेशन की जरूरियत क्या है। नेक्स्ट एनर्जी सेगमेंट जो है अपना, वो पूरा सेगमेंट एनर्जी का बांस पे टिका हुआ है। थोड़ा सा झलक के साथ समझ करिए इसको। ग्रीन एनर्जी, ये चीजें कड़वी लगेगी लेकिन माननी पड़ेगी। कुछ चीज आज हजम हो जाएगी, कुछ चीज आने वाले समय में हजम होगी। मैंने खुद ये अनुभव किया हुआ है, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं। ग्रीन एनर्जी, अलग अलग सब्जेक्ट में ग्रीन एनर्जी अलग अलग चीज को कह सकते हैं, लेकिन नंबर वन, जैसे ऑक्सीजन है, समझिएगा ऐसे ही नाम नहीं दिया हुआ है ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन मींस सांसों का खेल। ऑक्सीजन का मतलब होता है यदि वो नहीं है तो हमारी वहां पर जीवित होने की मात्रा वो बहुत कम रहेगी। हमारी वहां पर जीवित होने की मात्रा बहुत कम होगी। ऑक्सीजन पार्क मींस अगर हम एनर्जी ले रहे हैं, श्वास को भी अगर एनर्जी कह रहे हैं, उसी हिसाब से आज इलेक्ट्रिसिटी, वो सांस जितनी ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर आज किसी भी समय 3 दिन के लिए अगर बिजली, एक कल्पना करो कि 3 दिन के लिए बिजली नहीं है आपके पूरे सिटी के अंदर में, अब सोचो क्या 3 दिन के लिए रह पाओगे, सिर्फ 3 दिन बिजली ना होने के बावजूद भी। जैसे सांस हम कंटिन्यूस ले रहे हैं ना, वैसे ही हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो चीज इतनी ही कंपल्सरली हमारे पास में हो गई है। ग्रीन एनर्जी, जिसका एक छोर है इलेक्ट्रिसिटी, मान रहे बात को, इलेक्ट्रिसिटी है जरूरी, मोबाइल फोन से लेकर पंखे से, एसी से, ट्यूबलाइट से, टीवी से, चार्जिंग बाइक, चार्जिंग गाड़ी, सब जगह पर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी हम एनर्जी को और यूटिलाइजेशन में लगा रहे हैं। आती कहां से है इलेक्ट्रिसिटी, एक विंड फार्म से, चाहे वो हवा के लिए है, चाहे वो डैम के पास में टर्बाइन लगा के है, या सोलर पैनल से। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे पहले से शुरुआत है वो आता है कोल से, यह सही पकड़े हो, कोल, थर्मल पावर स्टेशन। बीच बीच में कई न्यूज आई, पूरे पृथ्वी के अंदर में कोल या तो 500 साल पे बनता है, 700 साल पे बना हुआ है, 2000 साल का बना हुआ है, उसको हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। पहले इतना यूज करते थे, फिर इतना यूज किया, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीजें बढ़ी, यूज बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, यूज बढ़ता गया। कोल आज हम इसको मिनिमम बनने का समय दे रहे हैं, मैक्सिमम खर्च कर रहे हैं। कोल से ही थर्मल पावर से जो बिजलियां बन रही थी, वो बिजली के लिए आज एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्या इंडिया में इतना अवेलेबल है। गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आंकड़े निकालिए कितना कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। समझिएगा, हर चीज हर टाके के साथ जुड़ा हुआ है। इंपोर्ट के आंकड़े निकालिए कोल के। मैं अगर गुजरात की सिर्फ बात करूं तो गुजरात के अंदर में कई थर्मल पावर स्टेशन है जो बड़े आयाम पे है, जिसको कोल चाहिए उतना कोल भी हम यहां पर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे जमीन खनिज के अंदर में उतना कोल पड़ा है, और यदि पड़ा भी है तो
तो क्या वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कुछ रखना ही नहीं है, यहीं पे पूरा कर देना है? ये जो कोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यही कोल इंपोर्ट करके कई मात्रा में हम ला रहे हैं, तो वहां हम यदि खुद कोल बना सकते हैं, खुद व्हाइट कोल बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली बांस वहां पर चलने लगेगा। जोड़िए चीज को, कोल मिलता था 200 साल 500 साल 1000 साल 2000 साल के बाद में, जब यही चीज हम ग्रीन एनर्जी के अंदर में जाते हैं, अपने ही खेत में बांस लगाते हैं, कटिंग करते हैं, पैलेट्स और ब्रिकेट्स बनाते हैं, व्हाइट कोल हो गया, वही व्हाइट कोल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वही व्हाइट कोल पूरे इंडिया के थर्मल पावर स्टेशन को यदि चाहिए, तो कितना बड़ा यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट के पीछे दे सकते हैं बांस को। मैं वही बात कह रहा हूँ, बांस कहाँ लगेगा, किस किस तरीके से लगेगा, और एक्चुअली वो हमारी नीड है। यदि वो आपके साथ में कनेक्टिव नहीं था, तो मैं आज कनेक्ट कर रहा हूं कि कोल इलेक्ट्रिसिटी हर घर हर बंदे की जरूरत, जिसमें ये लग रहा है। आंकड़े निकालिएगा, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, वरना एक ही सब्जेक्ट पे कोल पे ही अपन 1.5-2 घंटा जो है वो बात कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और कोल है, वैसे ही आज छोटे बच्चे को भी बोला जाए कि मेहमान आए हैं बाहर से, कुछ लेकर आ जा खाने पीने के लिए, या चाय वगैरह या नाश्ता वगैरह कुछ बाहर से मंगवाना है, तो वो साइकिल लेकर नहीं जाता, तुरंत स्कूटी एक्टिवा सेल्फ लगाकर हो जाता है। वो जो सेल्फ लग रहा है उसमें या तो पेट्रोल डल रहा है या तो डीजल डल रहा है। सेकंड, हम जो डीजल यूज कर रहे हैं या पेट्रोल यूज कर रहे हैं, वो आता कहां से है? डीजल पेट्रोल, फिर से, डीजल और पेट्रोल आता कहां से है? आउट ऑफ कंट्री से ही क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, उसका निस्यंदन करते हैं, और वही इंडिया के अंदर में सप्लाई करते हैं, या तो शुद्धिकरण करने के बाद में ही पेट्रोल और डीजल गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है, और फिर वही पेट्रोल और डीजल का हम आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले के जमाने में ऐसा था, एक घर के अंदर में एक ही स्कूटर हुआ करता था। आज जितने आदमी उतने स्कूटर्स, या तो कह सकते हैं जितने लेडीज उतने स्कूटर्स, जितने जेंट्स उतनी कार्स, ये एक दौर पे हम पहुंच चुके हैं। जितना ज्यादातर हम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, पिछले 10 साल का ग्राफ देखिए, पिछले 20 साल का ग्राफ देखिए, प्राइसिंग और ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यदि हमें बायोफ्यूल बनाना है, तो बायोफ्यूल भी, यस आ रहा हूं वहीं पे, बांबू है तो मुमकिन है। ग्रीन एनर्जी, बांबू है तो मुमकिन है, बायोफ्यूल भी किससे बन पाएगा? आराम से बांस से बायोफ्यूल भी बन पाएगा। यस, इथेनॉल बायोफ्यूल है, आराम से इथेनॉल भी इससे बन सकता है, और बायोफ्यूल अलग अलग तरीके से भी बांस से बन पाएगा। वैसे ही तीसरी चीज, आज के छोर पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने के कारण जितनी भी फर्निशें चलती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं पर भी इंडस्ट्री रिलेटेड जहां पर भी पूरे इंडिया के अंदर में काम चल रहा है, जहां बिजली महंगी है, जहां फ्यूल कॉस्ट सस्ता करना है, डीजल पेट्रोल का रेट भी अपर है, वहां पर सस्ता सबसे जो गिर रहा था, सस्ता जो भी गिर रहा था वो अभी तक में फ्यूल था। देख लीजिए गैस, यस अभी तक में इंडस्ट्री में भी जो सस्ता था वो गैस था, जिसके कारण गैस से सारी फर्निशेस चलती थी, गैस से कई चीजें बनती थी और आगे बढ़ती थी। आज गैस भी महंगा होते जा रहा है, क्यों? रशियन वॉर या दूसरा वॉर, यही इसका एक कारण नहीं है, ये भी कारण है, नेचुरल गैसेस जहां से भी आते हैं उसको इंपोर्ट करके लाना महंगा पड़ रहा है। धीरे धीरे वही जो 24 रुपए 25 रुपए में चल रहा था, वो 2 गुना 3 गुना रेट के अंदर में ट्रांसफर हो गया, और आज गैस के लिए भी दिक्कतें आ रही है, चाहे वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए, रसोई के लिए जो गैस आ रहा है वो हो, चाहे वो कमर्शियल वाला हो, चाहे वो स्कूटर पेट्रोल
रिक्शा के अंदर में डलने वाला हो, चाहे उसी से आइसर और दूसरे व्हीकल्स, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, एट व्हीलर, टेन व्हीलर चल रहे हैं वो हो, या कॉमर्शियली 100% इंडस्ट्री के अंदर में चलने वाला गैस हो, गैस भी यस, बांस है तो मुमकिन है, बांबू है तो मुमकिन है, गैस भी इससे बन सकता है। ये जो एनर्जी का पूरा खेल है जिसके अंदर में आप में कोई भी बंदा अनछुआ अनटच्ड नहीं है, क्योंकि हम घर के अंदर में जो सवेरे से लेकर शाम तक में चीजें इस्तेमाल में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज को रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के अंदर में भी ये तीन चीज में से कोई चीज आती है, या उसका मैन्युफैक्चरर करने में भी ये तीन चीज में से कोई चीज का यूज होता है। यदि इसका रेट थोड़ा सा पिक होता है अप एंड डाउन के अंदर में, तो तीन में से किसी का भी, तो तुरंत हर क्षेत्र के प्राइस के अंदर में फ्लक्चुएशन आ जाता है। ये तीनों चीज हम, बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये तीनों चीज हम बड़ी मात्रा के अंदर में इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर में। यदि यही चीज एग्रीकल्चर से पैदा हो सकती है तो हमारा किसान क्यों नहीं आ गया है, हम क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं। इसके लिए हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक कदम लेना पड़ेगा, और वो कदम है बांस की खेती। बांस से शुरुआत करेंगे, पूरे एनर्जी सेक्टर के अंदर में पूरे 140 करोड़ की जो जनता है इंडिया की, वो 140 करोड़ की जनता को डेली यूजेस में जो चाहिए वो ट्रांजिस्ट करना है तो भी इससे करते हैं, बनाते हैं तो भी इसका इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो एक तरफ हमारी नीड है, दूसरी तरफ हम दूसरे देश से ये ले रहे हैं, दोनों के बीच का गैप जो है, इंपोर्ट भी हम कम कर सकते हैं और ये चीज को बनाने में भी इंडिया के अंदर में ही पैदा कर सकते हैं। तो अपना जीडीपी को अगर टच करना है तो सबसे आगे ये चीज ले जा सकती है ग्रीन एनर्जी के अंदर में। ये एक पहला छोर था, अभी काफी चीजें बाकी है, अभी इतना जरूरी नहीं है, ये पहला छोर था। अभी तो आपको ले चलेंगे पूरी दिनचर्या के अंदर में, ये सिर्फ बाहर बाहर का छोटा सा किक था, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र है, सही में ब्रह्मास्त्र है, जहां से आप अपने आप को झुझुड़ के सोच सकते हो कि एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सब लोग बांस लगा लेंगे तो फिर क्या होगा, तो सब लोग बांस लगा लेंगे तो सब रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी चीजें चाहिए। एक बार नेट पे जाकर सही आंकड़े निकलवाइए कि पूरे इंडिया के अंदर में पर डे कितना गैस इंपोर्ट होता है, कितना पेट्रोल, कितना डीजल और कितना कोल इंपोर्ट होता है। ये चार चीज के अंदर में सिर्फ आप देख लीजिए तो भी आपको आंकड़े जो आएंगे, उतने आंकड़े जब हम अपने एग्रीकल्चर से बाहर निकालते हैं, बांस की उपज में से यही चार चीज अगर बनाते हैं तो उसके अंदर में कितना फर्क पड़ेगा। ये था पहला छोटा एनर्जी लेवल वाला। उसके बाद हम सवेरे की दिनचर्या में अगर जाए, सवेरे की दिनचर्या में यदि हम जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समझिएगा, बहुत कम लोग होंगे जो पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक्चुअल में न्यूज़पेपर जो है उसका जो पल्प होता है जिससे वो पेपर बनता है, न्यूज़पेपर का जो पल्प है जिससे वो पेपर बनता है, वो पेपर भी हम आज के दिन में पल्प जो है वो पेपर का वो पल्प भी हम इंपोर्ट करके लाते हैं। है लेना, आंकड़े की जरूरत नहीं है, आंकड़े आप लोगों को भी तो कुछ काम करना रहेगा ना, थोड़ा सा काम आप भी करिए, मैं सिर्फ आंकड़े लगा हुआ नहीं, खुद से सर्च करिए, करवाइए, ठोस आंकड़े अगर आपको भी मिलते हैं तो मैसेजेस के थ्रू यूट्यूब पे भी अपलोड करिए, हमें भी दीजिए, हमारे पास आंकड़े है, लेकिन आंकड़े हम अगर बताएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ दिखा रहे हैं, लेकिन चीज़ को समझिए, कुछ ढूंढ के आप भी दीजिए तो सबको पता चलेगा, हाँ आंकड़े एक जगह से नहीं है, सबके आंकड़े एक जैसे ही है और वो बड़ी मात्रा में है। न्यूज़पेपर 140 करोड़ की जनता 50% कर दीजिए, उसके बाद में भी जहां जहां न्यूज़पेपर जाता है ऑल ओवर इंडिया में वो न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसका पल्प मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहा है। तो क्या पल्प नहीं बन सकता, बांस है तो मुमकिन है, न्यूज़पेपर का पल्प भी बन सकता है इससे। दूसरी चीज, देश दुनिया की खबर तो हम देख लेते हैं, फिर हमें जो दुख देते हैं उसके लिए हम जाते हैं भगवान के पास
अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती धार्मिक देश है, बरसों से कर रहा है। पहले चल रहा था क्या कहते हैं उसको, धूप, इंडिया में ही बनता था, विदाउट केमिकल बनता था, चीजें ओके हो रही थी। अगरबत्ती में आया, अगरबत्ती बनी, बांस कटे, बांस को कटने का परमिशन जो है वो रुका, बाहर की कंट्री से आने लगा। अगरबत्ती की स्टिक और फिनिश्ड अगरबत्ती आज भी मैक्सिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम इंपोर्ट हो रही है। समझिएगा, आज भी अगरबत्ती बड़े पैमाने पे इंपोर्ट हो रही है। है क्या चाहिए इसको, टुल्डा वेरायटी, दूसरी दो तीन वेरायटी भी है। टुल्डा वेरायटी में सबसे ज्यादा 7 इयर्स के अंदर में मैच्योरिटी आती है और उसके बाद में अगरबत्ती बन सकती है। लेकिन कौन लगाए, कौन अगरबत्ती बनाए, अगर आप और मैं आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। कई लोगों ने स्टेप ले लिया है, टुल्डा लगने लगा है, अगरबत्ती बनने की, कांडी बनने की शुरुआत भी इंडिया में बहुत जल्द होने वाली है। सिमिलरली आप और मैं रहते कहां पर है, घर पे, घर का फर्नीचर वुड, वुड, ये सिर्फ वुड की बात नहीं है, ये एक्चुअल नेचर की बात है। हम पूरे विश्व के अंदर में वुड जो है वो इंपोर्ट करके लाते हैं, पूरे विश्व के अंदर में जंगल कट रहे हैं। जितने जल्दी हमारी यूजेज है, जैसे पेट्रोल डीजल की और कोल की थी, वैसे ही ये यूजेज बढ़ रही है, सामने जंगल उतने फास्ट क्रिएट नहीं हो रहे हैं। कुछ कुछ देश है जैसे चाइना, वियतनाम, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों ने बांबू फॉरेस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया, उसका बांबू का ही फॉरेस्ट बनाने लगे और उनके फास्ट जनरेट होने लगे है फॉरेस्ट। बाकी की जगह पर वुड जो है पूरे इंडिया के अंदर में इंपोर्ट होकर हम लाते हैं और वुड की हर फर्नीचर, हर एक चीज मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं। यस, वुड की अगर हमें सब्स्टिट्यूट कुछ निकालना है तो मुमकिन है। क्यों मुमकिन है, बांस है तो मुमकिन है, सही चीज है। तीनों चीज हम यूज में लेते हैं, छोटी मात्रा में नहीं ले रहे, बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर में ले रहे हैं। और बड़ी मात्रा में लेने के बावजूद भी आज हम ये सारी चीजें इंपोर्ट करके ही चल रहे हैं। जरूरी नहीं है हम इसको एक साथ में ब्रेक दे पाएंगे, लेकिन अगर स्टार्टअप लेंगे तो ये आंकड़े और ये चीज प्रैक्टिकली हम बाहर से बहुत बड़े पैमाने पे ला रहे हैं। हमें अपने खेत में वो उगाना है, और खेत में उगाना है वो भी जो रूटीन हम खेत में उगा रहे हैं उसमें जो इनकम मिल रही है उसकी इनकम के मुकाबले अगर ज्यादा है तो ही बांस पे जाना है। जरूरी नहीं है हमें इसको डिसॉल्व करना है उसके लिए हम बांस उगा रहे हैं। हम खुद फार्मर है तो फार्मर की जो अभी अपनी इनकम चल रही है उससे ज्यादा इनकम मिल रही है तब हम ये कर रहे हैं, और उसके सामने इतना इंपोर्ट अपना जो है वो बच रहा है। सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, नॉट ओनली फार्मर बट अपनी कंट्री के लिए। देखिए ये जरूरत है, शायद हो सकता है मैं छोटी छोटी चीज को ही बड़ी दिखा रहा हूं, या तो बड़ी बड़ी चीज को हम सब मिलके नजरअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कई चीजें है जिसके पीछे हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड अपने पे है हम क्या करें। इंडिया में बांस और बांस के रिलेटेड तकरीबन छोटी इंडस्ट्री से लेकर, जैसे चारकोल इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है, 12-15 लाख रुपए का मशीन डाल के आप चारकोल की इंडस्ट्री डाल सकते हैं, वो छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी, पार्टिकल बोर्ड, पेपर, क्लोथ, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लग सकती है, और वो इंडस्ट्री करोड़ों रुपए की टर्नओवर वाली है।
जीडीपी में कहीं बड़े छोर पे हम उसका चेंज ला सकते हैं। एक दो तीन चार पैमाना नहीं है, 30-40 तरीके की इंडस्ट्री जो अलग अलग छोर की है, 2000 से प्लस प्रोडक्ट, समझिएगा 2000 से प्लस प्रोडक्ट्स इसके अंदर से बन रहा है। फर्क इतना है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज का स्टार्ट नहीं हुआ है, अलग अलग देश बना ही रहे हैं, हम इंपोर्ट करके वही चीज को चला रहे हैं, हमें पता बाद में चल रहा है कि हाँ ये तो बांस से बना हुआ है। कई चीजें है, सिंपल मैटर कहूं, यस बांस का ही बोतल है, कहीं ऐसे वर्ग भी है जो बांस के ऊपर पूरा उसका गांव चलता है, उसका क्षेत्र चलता है, जो छोटे छोटे हस्त के उद्योग लेकर बैठे हुए हैं। आप और मैं 1000 रुपए की बोतल ले सकते हैं, 500 रुपए की बोतल ले सकते हैं, 2000 रुपए की बोतल ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हम बाहर निकलते हैं तो अलग अलग चीजें प्रिफरेबल करते हैं, तो क्या हम ऐसा कोई चीज प्रिफर ना करें जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और आगे जाकर वो प्रदूषण ना करे। बांस से बना हुआ है, इनसाइड पे स्टील है, कई प्रोडक्ट्स है, ये तो एक दो प्रोडक्ट सिर्फ आपको क्लिक करे ध्यान में आए वो पैटर्न के हिसाब से था, बाकी चीजें अनछुपी अनभिग्न नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हाँ एक छोटा उदाहरण आपको बता सकता हूं, इंडस्ट्रीज दोनों अवेलेबल है, वुड की इंडस्ट्री भी अवेलेबल है, बायोकोल की इंडस्ट्री भी अवेलेबल है, बायोफ्यूल की इंडस्ट्री भी अवेलेबल है, इनपुट पे बांस देने को नहीं है, इसलिए कहीं पर भी पूछते हैं तो वो लोग इनपुट के लिए हमें मना करते हैं, इनपुट देना पड़ेगा हमें बांस का, पार्टिकल बोर्ड हो, प्लाईवुड हो, कि वुड के जगह पर आप बांस यूज करिए, एक दो ट्रायल के बाद में वो यूज होना शुरू हो जाएगा। जो बी किसान ने आज से 6 महीना पहले ट्रायल कंप्लीट कर लिया, पार्टिकल बोर्ड में 100% सक्सेसफुल है बांस, पहले नहीं था, पहले नहीं करते थे तो उनका रुझान ये था कि जो आ रहा है उसमें चीजें ओके। अब जब वुड मिलना कहीं ब्रेक लगा, कहीं दूसरी डिफिकल्टीज आई, तो बांस पे ध्यान गया, अब बांस लगाना और बांस वहां तक पहुंचाना जरूरी है। इंडस्ट्री ढेर सारी है, चीजें अलग अलग तरीके की है, हम और भी आगे कई चीजों पे काम कर सकते हैं, वो तब पॉसिबल है जब क्लस्टर फार्मिंग, समझिएगा ये तब पॉसिबल है जब क्लस्टर फार्मिंग की जाए। क्या मतलब है क्लस्टर फार्मिंग का? क्लस्टर फार्मिंग का मतलब है, सपोज करिए आपके पास में 10 एकड़ है, दस एकड़ लैंड आपके पास में है, आप बांस लगाना चाहते हैं, तो 10 एकड़ के लैंड के अंदर में आप खुद बांस लगाइए, लेकिन साथ साथ में आपके आसपास के क्षेत्र में हंड्रेड किलोमीटर रेडियस में कुछ चीजें मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, बहुत अंदर डीप नहीं जा रहा हूं, 100 किलोमीटर के रेडियस में आपके क्षेत्र में जहां आपका खुद का खेत है 10 एकड़ का, उसके आसपास के क्षेत्र में 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में दूसरे लोगों को इकट्ठा करिए, यदि आपके पास आपने खुद ने लगाया, आपके गांव में किसी ने लगाया, दो गांव छोड़ के एक गांव छोड़ के किसी ने लगाया, ऐसे सिर्फ 10-10 एकड़ के 4 करोड़ हो जाते हैं। अगर आप खुद अकेले लगा रहे हो तो आप इसको कटिंग करके सीधा लकड़ मंडी में बेचने के लिए जा सकते हो, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वेजिटेबल्स का उसको पोल्स आप डायरेक्ट दे सकते हो, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में काम करते हैं उसको पोल चाहिए उसको आप 10 एकड़ से दे सकते हो। यही 10 एकड़ यदि आपके 3 और 4 मित्रों मिलके, गांव वाले मिलके या आसपास के गांव वाले मिलके करते हैं, तो 40 एकड़ के आसपास में यदि आपके पास बांस है तो आप इसी में से कोल बना सकते हैं, चारकोल। जी 40 एकड़ से आपका चारकोल कंप्लीट हो सकता है, पूरे साल इसी में से आप अपना रोटेशंस जो है वो निकाल सकते हैं। छोटी इंडस्ट्री है, चारों लोग इजीली कर सकते हैं, और यही चारकोल का पाउडर बना के आज के दिन के अंदर में कॉस्मेटिक वाले है जो चारकोल का शैम्पू बनाते हैं, चारकोल का टूथब्रश बनता है, चारकोल का साबुन बनता है, चारकोल का फेस वॉश बनता है, उस इंडस्ट्री के अंदर में आप लोग आराम से दे सकते हो
और उसका प्राइस आपको उसके हिसाब से मिल सकता है। सिमिलरली ये जो चीजें बनी हुई है, ये 40 एकड़ का जब मात्रा था तब चारकोल इंडस्ट्री के लिए हुआ। यदि यही चीज बढ़ती है, आप लगाते हो, आगे आए, चीजें हुई, दूसरों ने देखा और यही चीज कहीं दूसरे 40 एकड़ में कन्वर्ट हुई, दूसरे 40 एकड़ में कन्वर्ट हुई, इस तरीके से यदि यही बड़ा रुझान बनता है। और यदि आप 200 एकड़ पे आते हो तो 200 एकड़ के लिए व्हाइट कोल, 200 एकड़ के लिए व्हाइट कोल का मशीन बन सकता है जिससे ब्रिकेट्स और पेलेट्स आप आराम से बना सकते हैं। जो बायोफ्यूल के लिए चाहिए वो इसमें से एकदम इजी इजी मिल सकता है। करना क्या है, वही 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में लोगों को समझाना है कि किस तरीके से बांस से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। इकट्ठा होके ये क्लस्टर फार्मिंग हुआ, इकट्ठा होकर जो हम सारी चीजें बनाते हैं उससे कोई एक इंडस्ट्री डेवलप होती है और वो इंडस्ट्री जो है वो आगे जाकर हमको भी पैसा कमा के देती है और खुद भी पैसा कमा देती है। ये चीज करना पड़ेगा फार्मर्स लोबी को इकट्ठा होकर आगे आने के लिए। इंडस्ट्रीज कई सारी है, ये 40 से लेकर 200 एकड़ के बीच में भी कई इंडस्ट्रीज आ सकती है। यदि आपके पास में सिर्फ टुल्डा वेराइटी है तो आप अगरबत्ती भी कर सकते हो। आपके पास में 70 एकड़ अगर है तो 70 एकड़ के अंदर में आप अगरबत्ती का मशीन भी डाल सकते हो। 40 एकड़ के अंदर में कम मशीन डाल सकते हो, 10 एकड़ का है फिर भी आप अगरबत्ती के मशीन डाल सकते हो। चॉइस हमारी है कि हम अपना बांस लगाने के बाद में अपना प्राइस रख पाते हैं या हमें किसी और के प्राइस पे डिपेंड रहता है। जितना जुड़ोगे, इकट्ठा होगे, काम इजी करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। अलग अलग आयाम है, अलग अलग आयाम को हमें पहले फेज पे प्लांटेशन से स्टार्ट करके आगे बढ़ाना है। यदि आप 50 एकड़ का बांस कहीं पे लगाते हो खुद और आप कहते हो कि किसान पाठशाला भी वहां पर आपके साथ रन कर सके, तो हम वहां पर आपके साथ में पार्टनरशिप बेस पे जेवी पे रन करने के लिए तैयार है। बाहर का गाइडलाइन हम सब आपको देंगे, खेत के अंदर में काम करने की एक इच्छा आपकी होनी चाहिए, एक जवाबदारी आप लेकर आगे बढ़ने चाहिए। आपके ही आसपास के क्षेत्र के अंदर में 100 किलोमीटर के रेडियस से अगर आप फार्मर टीम को वहां पर बुलाना चाहते हैं, वहां से किस तरीके से उसको एजुकेटेड करना, किस तरीके से उसको अवेयर करना बांस के बारे में, तो हम वहां पर आकर भी उसको शिक्षित कर सकते हैं। वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं, जूम मीटिंग से भी कर सकते हैं। अलग अलग मीडिया का आज जो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रहा है उसका इस्तेमाल करके भी हम गाइडलाइन लेकर आगे आपको बढ़ा सकते हैं। हम हर हमेशा बांस और बांस के लिए ऑक्सीजन पार्क और किसान पाठशाला दोनों की ओर से आपके साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। कहां बेचेंगे ये प्रश्न नहीं है, एक्चुअली कहां बिक रहा है ये अवेयरनेस चाहिए और ये कितनी मात्रा में चल रहा है। क्योंकि अगर हम डेप्थ तक नहीं जाएंगे तो आज एक बिजनेसमैन पर दूसरा बिजनेसमैन, परसों हम वहीं पे रहेंगे जहां पर पहले थे। हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को क्लबिंग करना पड़ेगा, एग्रो इंडस्ट्री पे आना पड़ेगा, जो सेल्फ सस्टेनेबल खुद को करे, जो आगे बढ़े और दूसरों को आगे ले आए, जिसके लिए है किसान पाठशाला, ऑक्सीजन पार्क, दोनों मिलके यूट्यूब के अंदर में आपके साथ में तभी धूम मचा पाएंगे जब हम एक छोटी सी शुरुआत आपके गांव से, आपके खेत से, आपकी लैंड से, आपके दिल के अंदर में से विश्वास पैदा करके कर भी पाए, करवा भी पाए और आसपास के अंदर में वो हरियाली ला पाए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को चाहिए। फिर से कहूंगा, एक पृथ्वी सिंगल अर्थ, हम सिंगल अर्थ को कैसे डिजाइन करें वो हमारे पे है। हम उसको जिस तरीके से ले जाएंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन वही पाएगी। थैंक यू वेरी मच।